बेबी आज देखना, आज इतनी पतंग काटूंगा, इतनी पतंग काटूंगा, तुमने किसी लड़के का नहीं काटा होगा आज तक। क्या मतलब? मेरा मतलब है किसी की पतंग नहीं काटी होगी। ओ वो सब तो ठीक है बेबी, लेकिन हम पतंग उड़ाएंगे कैसे? मांझा तो सारा उलझा हुआ पड़ा है। अरे ये बेबी, ये सुलझाने में तो मैं प्रो हूँ, अभी चुटकियों में सुलझा दूंगा। तुम ये पकड़ो, आओ मेरे साथ आओ। बेबी तुम ये वाला छोर पकड़ो, पकड़ो पतंग नीचे रख दो। yes! पतंग नीचे रख दो। बेबी इसको आगे से लेफ्ट लो, आगे से लेफ्ट। बेबी थोड़ा सा राइट लो, राइट राइट में सुलझेगा ये। बेबी एक काम करो, तुम ना इधर रेड लाइट से घूम के आओ। वेरी गुड, सुलझ रहा सुलझ रहा, देखो सुलझ रहा। बेबी ऐसे करो, ये हाथ ऐसे करके ऐसे खींचो, ये हाथ ऐसे करके ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे खींचो। बेबी सुलझ रहा सुलझ रहा, बहुत बढ़िया। बेबी हम तो बुरी तरह उलझ गए, तुमने तो कहा था सब सुलझा लोगे। वो बेबी गलती से एक यूटर्न एक्स्ट्रा लग गया, इसलिए उलझ गया। मुझे लगता है हमें ना हेल्प लेनी चाहिए, मेरे दोस्त गुड्डू की। एक मिनट रुको, गुड्डू काका। गुड्डू काका। हेलो स्वीटी। हेलो गुड्डू। अबे ओ, तुझे लाइन मारने के लिए नहीं बुलाया, ये मांझा सुलझाने के लिए बुलाया। अभी सुलझा देता हूँ। सुलझ गया। ओहो पंकज तू तो सुलझ नहीं पाया। चल कोई नहीं, एक काम करता हूँ, मैं स्वीटी को ले जाता हूँ और उसे पतंग उड़ाना सिखा लेता हूँ, तो अपना देख ले खुद ही। हाँ बेबी आप ही तो कह रहे थे आप मांझा सुलझाने में प्रो, तो ये सब सुलझा के तब आ जाना। चलो चलो। अरे साले गुड्डू खोल मुझे, अबे मेरी बंदी ले गया तेरी तो। अरे बंदी ले गया मेरी। गाइस वीडियो को एंड तक देखना, पीछे मैं छोड़ूंगा नहीं वीडियो में। अबे खोल दे। पतंगे ले लो, पतंगे 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 ले लो भाई साहब, आ जा रहे पतंगे आ गई मार्केट में एकदम रातिक पतंगे, आ जा ले ले पतंगे भाई पतंगे। आ जा भाई आ जा, ये अंकल की दुकान पे सबसे बढ़िया मांझा मिलता है। ऐसा मांझा मिलेगा कोई तेरी पतंग नहीं काट पाएगा। आज भैया अंकल मांझा दिखाना। ये देखिए भैया जी, एकदम नया माल आया है, प्लास्टिक का है, कोई पतंग काट दे तो पैसे वापिस। अबे ये देख भाई, इनका व्हाइट कलर का मांझा ही सबसे खतरनाक होता है। अच्छे से चेक कर लो भैया, ऊपर से नीचे तक पूरा। हाँ अरे अंकल जी क्या बेकार माल दिखा रहे हो, ये तो कच्चा है, कोई मजबूत मांझा दिखाओ ना बढ़िया वाला। रुको भैया अभी दिखाते हैं, संभाल के रखते हैं थोड़ा सा यहाँ रखते हैं ताकि किसी को पता ना चले चोरी हो जाता है। ये देखिए कांच का है, मजा ही आ जाएगा भैया, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अरे भैया ये कैसा बेकार मांझा दिखा रहे हो, ये तो कच्चा है, कोई मजबूत और पक्का मांझा दिखाओ ना, ये तो बेकार है, इससे तो पतंग भी नहीं कटेगी। रुको भैया दिखाते हैं। ये देखिए भैया चाइनीज माल है, चाइनीज माल, इससे तो आदमी भी कट जाएगा। ये देखिए लगता है मुझे खुद ही एक अच्छा मांझा निकालना पड़ेगा। पंकज। हाँ यार आसमान में देखना कितनी पतंगे उड़ रही हैं, और एक हमको देख ले निठल्ले बैठे हैं, क्योंकि ना पतंग खरीदने के पैसे हैं ना पतंग है। क्या करे यार, पैसे घर वाले देते नहीं है, कुछ सोचने दे कुछ दिमाग चलाने दे। करना भाई कुछ। हाँ हाँ रुक तो, आइडिया क्या, चल मेरे साथ।
अरे बेबी यहाँ तो बहुत तेज धूप है, ये पकड़ो तुम ऐसे, मैं एक मिनट अभी आया। बेबी ये लो, ये लगाओ तुम पहले, सनस्क्रीन लगाओ जल्दी, लगाओ लगाओ लगाओ, ए बेबी लगाओ जल्दी जल्दी लगाओ 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 लगाओ। बेबी लेकिन ये सब क्या है? अरे बेबी सेफ्टी फर्स्ट, पहले धूप ये सब चीजों से बचाना जरूरी है। आओ चलो पतंग उड़ाते हैं, आओ आओ। अरे पंकज आ गया। हाँ भाई आज मैं अपनी बेबी को पतंग उड़वाने लाया हूँ, आओ ना बेबी। हाँ हाँ क्यों नहीं। भाभी जी नमस्ते, लीजिए मांझा पकड़िए, लीजिए लीजिए। अरे बेबी एक मिनट, एक मिनट, छोड़ो 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 बेबी, ये कांच वाला मांझा है, हाथ में लग गया तो। अरे अब क्या हो गया? एक मिनट रुको, हाथ लाओ हाथ लाओ। इतना तेज मांझा है, कहीं आपके कोमल कोमल हाथों पे लग गया तो। जाओ अब उड़ा लो, ला भी गुड्डू पतंग दे लो। हाथ तो तुमने बांध दिए, अब क्या पैरों से उड़ाऊंगी? अरे बेबी एक मिनट, लाओ उड़ाओ बेबी, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। अरे बेबी मांझा गले में लगेगा, बेबी नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे नीचे बैठो। अब कौन सी गोलियां चल रही है जो तुमने नीचे बिठा दिया है? अरे बेबी गर्दन पे मांझा लगने वाला था तुम्हारी, अभी कांच वाला मांझा है, पूरी गर्दन कट जाएगी। अरे बेबी अब सब सेफ है, चलो अब पतंग उड़ाते हैं। रुको एक मिनट, सेफ्टी तो चेक कर लो। देखा बेबी कुछ नहीं हुआ, सेफ्टी फर्स्ट। दू भाई दू दू कन्ने। अरे रुक भाई रुक, कन्ने दे रहा है? हाँ भाई। अबे ऐसे थोड़ी देते कन्ने, टेक्निक ही गलत है तेरी, दूर जा थोड़ा दूर जा। ओ अच्छा थोड़ा पीछे। हाँ अब दू कन्ने। अबे अभी तो हवा भी नहीं लगी पतंग को, भाई साइंस लगती है इसमें, थोड़ा और पीछे जा। पीछे अब ठीक है भाई। अबे और पीछे जा भाई, मांझे की लेंथ ना हमेशा छत की लेंथ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो परफेक्ट एंगल बनेगा, एस्केलरेशन मिलेगा, हवा आएगी, पतंग शू करके उड़ जाएगी। पीछे जा तू और पीछे। अरे भाई अब तो छत ही खत्म हो गई। और पीछे। अरे अब समझा प्रॉब्लम क्या, तेरी हाइट छोटी है तो जो हवा है ना तेरी हाइट के ऊपर से निकले जा रही है। तू एक काम कर, रेलिंग के ऊपर चढ़ जा, चढ़ चढ़ रेलिंग के ऊपर चढ़ के देख ले, रेलिंग पे खड़ो 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 खड़ो, वेरी गुड वेरी गुड, खड़ो खड़ो खड़ो। अब तो ये, हाँ अब बिल्कुल ठीक है, अब जंप कर और करने दे 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 दू। हाँ 1 2 3। अबे यार गधा ग्रेविटी की कैलकुलेशन किए बिना ही कूद गया, पतंग भी वेस्ट कर दी, पागल है तेरा दोस्त, हट किसी और से दिलवा करने टेक्निक के साथ। अरे भाई कन्ने बांध रहा है, कोई टेक्निक ही गलत है। ये ले तू बांध ले।
ये निकाला बेलन, इस बेलन से पतंग को ऐसे ऐसे करके बिल्कुल फ्लैट कर देना, ऐसे ऐसे ऊंची नीची नहीं रहनी चाहिए, वरना हवा भी ऐसे ऐसे करेगी पतंग, सुन्न पतंग चाहिए तो इसको घिसना ऐसे। अब स्केल से इसके बीच का पॉइंट निकालेंगे। अब इसके पांच कदम सेंटर से इधर, 1 2 3 4 5, पांच कदम सेंटर से उधर, 1 2 3 4 5। अब इसमें छेद करेंगे। अब तिल्ली से छेद करते हैं, लेकिन मैं हूं प्रो, योर ब्रो प्रो, तो मैं इसमें छेद करूंगा अपने औजार चाकू से। अरे भाई क्या कर रहा है? अबे यार मेरी पतंग फाड़ दी यार इसने। अबे भाई अबे क्या हल्की सी पतंग लेके उड़ा रहा है, भारी पतंग लाकर, ये तो बेकार है और तेरी तो टेक्निक भी गलत है। वो देख वहां पतंग उड़ रही है, वो देख। अबे तेरी तो कोई देख तो नहीं रहा? कोई नहीं देख रहा बेबी। अरे रुको यार, ऐसे कैसे नहीं देख रहा, तुम लोगों की टेक्निक ही गलत है। रुको मैं सिखाता हूँ, अभी मेरी बंदी को छेड़ेगा। अरे भैया गलती हो गई, अरे अब किसी को टेक्निक नहीं सिखाऊंगा। अरे भैया यार ऋतिक सबकी पतंग उड़ रही है, लेकिन जब हम पतंग उड़ाने लगते हैं या तो हवा चलनी बंद हो जाती है, हवा चलती है तो बारिश आ जाती है। यार हमारे साथ ही सारी दिक्कतें क्यों होती है? भाई मुझे ना ऐसा लगता है किसी ने ना हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया है, इसलिए हमारी पतंग नहीं उड़ पा रही। तू सही कह रहा है भाई, जरूर कुछ ऐसा ही पंगा हुआ है। मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो शायद हमारी कोई हेल्प कर सकता है। चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। ठीक चल। सोम मंगल बुध शनि पतंग उड़ा लो घड़ी घड़ी, सोम मंगल बुध शनि पतंग उड़ा लो घड़ी घड़ी। पतंग बाबा की जय हो, पतंग बाबा की जय हो, पतंग बाबा की जय हो। बता बच्चा क्या समस्या है? बाबा जी जब भी हम पतंग उड़ाने लगते हैं ना, कभी हवा चलनी बंद हो जाती है, कभी बारिश आ जाती है। बाबा जी समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो रही है हमारे साथ। ये तो बहुत घोर समस्या है बच्चा, बहुत घोर। लगता है किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दिया है। बाबा जी कोई समाधान बताओ ना। पर घबरा मत, बाबा के पास समाधान है। बाबा जी क्या, इसका समाधान क्या है? बच्चा किसी पतंग की आत्मा तुम्हारी पतंग की आत्मा में घुस गई है। बाबा जी हम पतंग नहीं उड़ा पाएंगे क्या? नहीं बच्चा घबरा मत, बाबा के पास इस चीज का समाधान है। निम्बू, तुम्हारी पतंग पे निम्बू काटूंगा और वो आत्मा पतंग छोड़ के चली जाएगी। हाँ, काटो बाबा जी बहुत बढ़िया काटो। ऐसे नहीं बच्चा, पहले 501 रुपए का शगुन चढ़ेगा। बाबा जी दो नींबू के 501 रुपए? बच्चा महंगाई देख, महंगाई देख कहाँ जा रही है, महंगाई है महंगाई है बच्चा। लो बाबा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार बच्चा। हाँ बाबा जी। थोड़ा दूर आत्मा निकलेगी जगह ढूंढते। बोलो मेरे साथ, 3 3 2 2। बाबा जी आपने तो पतंग फाड़ दी। बच्चा बच्चा मैंने नहीं फाड़ी, पतंग में आत्मा थी ना तो आत्मा ने फाड़ी है, मैंने नहीं फाड़ी। अब क्या करें बाबा जी, बाबा जी आप इसको ठीक करो, मैं पतंग उड़ानी। बाबा जी बाबा जी बच्चा 2000 रुपए लगेंगे, सब ठीक कर दूंगा। 2000 और उसके बाद तो कुछ नहीं लगेगा। बच्चा देखो आपको ईमानदारी से बताऊं, 2000 के बाद 250 रुपए और लगेंगे। 250 रुपए और? उसकी नसे-वसे सब काट दूंगा आत्मा की। उसके बाद तो कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा आत्मा का जैसे दिमाग होता है, दिमाग निकाल दूंगा 750 रुपए में। ये दोंगी बाबा मगर। तो कैसी लगी आपको ये 15 अगस्त वाली वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। रेड वाला बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो। बाय गाइस, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय।